तो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी गेमिंग की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आईपीएल के 56वें मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच हुए एक रोमांचक मुकाबले की। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये मुकाबला मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच दुबई के एक स्टेडियम में हुआ। इस मैच की शुरुआत में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मुंबई इंडियंस को पहला झटका लगा जब रोहित शर्मा 8 गेंदों में 9 रन बना के हर्षदीप की गेंदबाजी द्वारा आउट हो गए। फिर दूसरा विकेट गिरा सूर्य कुमार, जिनकी किस्मत में बिना एक भी रन बनाए मोहम्मद शाबी के हाथों आउट होना लिखा था। उसके बाद हर्षदीप की अच्छी बॉलिंग की वजह से मुंबई के एक और बैट्समैन ईशान किशन 7 बॉल में 7 रन बनाते हुए मुर्गन के कैच द्वारा आउट होते दिखाई दिए। फिर बारी आती है कुणाल पांडे की, जिन्होंने 30 बॉल में 34 रन बना के रवि बिश्नोई की गेंद को खेलते हुए दीपक हुड्डा के कैच आउट द्वारा आउट हो गए। मगर कुणाल पांड्या की धमाकेदार बैटिंग ने मुंबई की टीम के चेहरों पर मुस्कान बरकरार रखी। इसी दौरान पंजाब की अच्छी गेंदबाजी की वजह से मुंबई के विकेट गिरते जा रहे थे। इसके बाद अगली विकेट गिरती है हार्दिक पांड्या की, जो कि केवल 8 रन बना के मोहम्मद शमी की गेंद को खेलते हुए निकोलस पोरन के कैच आउट द्वारा आउट हो गए। मुंबई को लगातार झटके लग ही रहे थे विकेट गिरने के, मगर फिर बल्लेबाजी करने आते हैं क्विंटन डी कॉर्क, जिन्होंने 53 रन बना के एक शानदार बल्लेबाजी की। मगर बाद में उन्हें भी मोहम्मद शमी के गेंदबाजी का शिकार होना पड़ा। बात करते हैं पोलार्ड की गेंदबाजी की, जिन्होंने की 12 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें कि उन्होंने 4 छक्के जड़ दिए। तो इसी तरह मुंबई ने अपने 6 विकेट देकर 176 रन का टारगेट बनाया। फिर बल्लेबाजी करने उतरती है पंजाब की टीम, जिनको 177 रन का टारगेट मिला। बैटिंग की ओपनिंग करने उतरते हैं केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, जिसमें कि मयंक अग्रवाल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। मयंक अग्रवाल केवल 10 गेंदों में 11 रन बना के आउट हो गए, जिसमें से एक था चौका। फिर बल्लेबाजी करने उतरते हैं क्रिस गेल। केएल राहुल और क्रिस गेल की ज़बरदस्त जोड़ी ने कमाल कर दिया, जिसमें कि उन्होंने 70 रन अकेले खुद ही बनाए। अचानक से क्रिस गेल 24 रन बनाने के बाद आउट होते हुए पवेलियन चले गए, जिसमें कि उन्होंने 2 छक्के और 2 चौके जड़े थे। उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं निकोलस पूरन, जिन्होंने 12 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें कि 2 छक्के और 2 चौके थे। निकोलस पूरन के आउट होते ही बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल, जिसमें कि ग्लेन मैक्सवेल की खराब प्रदर्शन में उन्होंने केवल 2 गेंद खेली और जिसमें 0 रन बनाए। पिच पर डटे केएल राहुल ने केवल 35 गेंदों में 52 रन बनाए, जिसमें कि 7 चौके और 3 छक्के थे। तो इस मैच में केएल राहुल का एक शानदार प्रदर्शन दिखा। मगर दोनों टीम की शानदार प्रदर्शन के बाद भी ये मैच टाई हो गया। उसके बाद एक सुपर ओवर खेला गया, जिसमें वो भी टाई हो गया, मगर सेकंड सुपर ओवर में पंजाब जीती और उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। तो इस मैच में दोनों टीम के प्लेयर्स के द्वारा शानदार प्रदर्शन रहा, चाहे वो पंजाब के केएल राहुल हो या फिर मुंबई के कुणाल पांड्या। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का अंत करते हुए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।